अध्ययन करेंगे और आप सब लोगों को जो मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूँ वो आवर्त सारणी से रिलेटेड देने वाला हूँ। सभी लोगों के पास कलरफुल आवर्त सारणी कहाँ है? प्रैक्टिकल की कापी पे, है ना, प्रैक्टिकल की कापी में छपी हुई है, वो मैंने तुमको पिछले साल की कापियों से भी निकलवा कर दी है, ठीक है। तो उन कापियों में आपका काम ये है कि इस आवर्त सारणी में कितनी गैस है वो ढूंढना है। आवर्त सारणी में कलर के आधार पर तत्वों को पहचाना जा सकता है। आवर्त सारणी जो कलरफुल तुम्हारे पास है, इस जैसे इसी मेरे पास जो चार्ट है इसमें देखिए लाल रंग से जितने छपे हैं, ये लाल रंग की जितनी है वो सब गैसेस है। तो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, इधर हीलियम, यान, अर्गान, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान गैस है। तो अगर गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रहा 11। आवर्त सारणी में कुल 11 गैस है। आपका काम ये है कि इसमें कितनी गैसीय अवस्था में है, कितने ठोस है और कुल कितने तत्व द्रव है। देखो गैस अपन ने गिन ली, अब हम फिर से बात करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है कलर, इस कलर से सीजियम, फ्रेंसियम दो, यहाँ देखिए मरकरी, गैलियम और ब्रोमीन, कुल पांच तत्व जो है वो इस तरह से डिफरेंट है और ये पांचों लिक्विड फॉर्म में है। तो 11 गैस, 5 लिक्विड, कुल कितने हो गए 16। शेष बचे हुए तत्व जो है वो ठोस है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार अब पहचानना और शुरू करेंगे कि इसमें अलग अलग कौन कौन है। तो गैसेस के साथ साथ हमको थोड़ा सा आप देखें यहाँ पर एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, पुअर मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैसेस, कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ आप देखें तो 9 तरह से हमने क्लासीफाइड किया है तत्वों को। तो कौन से कितने हैं ये आज का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। इस प्रोजेक्ट को कल आप पूरा करके लाएंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे।